हमीरपुर में आयोजित फुटबॉल प्रीमियर लीग में हमीरपुर शहर की टीम ने फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश खिलाड़ी संघ के संयोजक व भाजयुमो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र अत्री ने शिरकत कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जहां एक और अत्री ने खिलाड़ियों व आयोजकों को बधाई दी, वहीं उन्होंने उपस्थित युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। निश्चित तौर पर देवभूमि हिमाचल को नशेड़ियों की भूमि ना बने, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का बहुत महत्व है। आज युवा पीढ़ी जिस तरह के तनाव से गुजर रही है, निश्चित तौर पर आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनमें आत्मविश्वास का होना जरूरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है। और ये सारी खूबियाँ यदि नौजवानों को कहीं से मिलेंगी तो निश्चित तौर पर खेल के मैदान से ही मिलेंगी। नरेंद्र अत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों की बढ़ती गतिविधियां एक चिंतनीय विषय है। जहां इन समाज विरोधी तत्वों से सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, वहीं युवा पीढ़ी को सही राह देने के लिए समाज में एक सकारात्मक माहौल बनाए जाने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना सबसे अहम है। का क्रेज हमीरपुर में बड़ा है, निश्चित तौर पर इसके लिए फुटबॉल एसोसिएशन और हमारे जो आयोजक हैं बधाई के पात्र हैं। प्रति वर्ष ये प्रतियोगिता होती है और इस बार जो प्रतियोगिता को सफलता मिली है, निश्चित तौर पर यहाँ खिलाड़ियों की टीमों की भी संख्या बढ़ी है और दर्शकों की भी संख्या बढ़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमीरपुर में हिमाचल में फुटबॉल जो है पहले की तुलना में और अधिक लोकप्रिय हुआ है और भारत के फुटबॉल के भी अच्छे दिन आएंगे, ऐसी कल्पना हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं जब इस तरह का माहौल हमीरपुर के साथ साथ प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी माहौल बनेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय फुटबॉल के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। इस मौके पर विजेता रही टीम को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, इस फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से आई 28 टीमों ने सीनियर व जूनियर वर्ग में भाग लिया था। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।